हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास गर्ग, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और चैप्टर नंबर थ्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल करवाया था। वो इसलिए करवाया था स्टूडेंट्स क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे तो वो चैप्टर नंबर टू से आपको उन टर्म्स की हेल्प से यहाँ पे इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए इस चैप्टर में हमें मीनिंग करना है, जिस चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जो इसका मीनिंग है मैं आपको वो बाद में करवाऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले हम इसकी जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है इसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, इन सब का एक ही रहेगा और बहुत इजी मेथड से मैं आपको करवाऊंगा। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक मैन है एक्स वाई जेड या एक फर्म है एक्स वाई जेड, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। राइट, देखिए जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज की हैं। सेकंड, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर हिज रेजिडेंट, यानी कि स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड कंपनी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था तो इस बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा दो ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लिया, उसने अपने बिजनेस के लिए कुछ आइटम परचेज की, एक दूसरा उसने अपने घर का बिजली का बिल पे किया। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स, कि इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। बिल्कुल राइट स्टूडेंट्स, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के लिए आइटम परचेज की हैं वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स देखिए आपने जो अभी ये हमने ट्रांजैक्शन देखी थी इसको आइडेंटिफाई किया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वो हैं जो हमने बिजनेस के लिए आइटम परचेज की थी। अब सपोज कीजिए हमने थ्री आइटम्स परचेज की थी, अब इन थ्री आइटम्स को हमने मनी में मेजर करना है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताया था और उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको कि अकाउंटिंग में ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं विच आर मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, दोज ट्रांजैक्शन इज डज नॉट मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी वी हैव नॉट इंक्लूडेड। राइट, तो इसमें यही बात आती है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजैक्शन हमने ऊपर वाले स्टेप में आइडेंटिफाई की, जो ट्रांजैक्शंस की जो बिजनेस की हैं उनको हमें मनी में मेजर करना है और वो लिखना है। अब जैसे हमने थ्री बॉक्सेस सपोज 10,000 रुपीज के परचेज किए थे तो इसको हमने मनी में मेजर कर लिया, तो अब हम ये अकाउंटिंग में लिखेंगे। थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग, यानी कि अभी तक आपने जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया ऊपर कि जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उसके बाद हमने इनको मनी में मेजर किया है कि कौन कि ये आइटमें कितने की हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने सपोज जैसे थ्री बॉक्सेस परचेज किए थे, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, उसके बाद हमने इनको मनी में मेजर किया कि वो 10,000 रुपीज की थी। इसके बाद हम इनको बुक्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक है, तो
तो हमने इनको इस बुक में रिकॉर्ड कर लिया। इस बुक को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स जर्नल, JOURNAL, इस बुक को हम जर्नल बोलेंगे। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमने इनको मनी में मेज़र किया, इसके बाद हमने इनको रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया है जैसे ये हमने लिखा है परचेज गुड्स ₹4,10,000। राइट स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज डन इन द जर्नल। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा क्लासीफाइंग। इस क्लासीफाइंग में जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमने गुड्स परचेज किए थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इनको मनी में मेज़र कर लिया था, यानी कि हमने 10,000 रुपीज़ को मनी में मेज़र कर लिया था। राइट, उसके बाद हमने इनको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था स्टूडेंट्स, यानी कि अभी तक हमने एक एग्जांपल लिया था, बट बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, कुछ परचेज़ की हो गई, बहुत सारी परचेज होंगी, इसी प्रकार से सेल की होंगी, और कुछ असेट्स परचेज करने की होंगी, कोई बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। राइट, तो अब हमने इनको क्लासीफाइंग कर देना है। क्लासीफाइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमने इस जर्नल बुक से, जो ये जर्नल बुक थी, हमने इनको जिससे रिलेटेड हैं, जैसे इसमें हमने परचेज की भी एंट्री की होंगी, सेल की भी एंट्री की होंगी, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी परचेज है यहाँ से एक परचेज बुक में जितनी भी परचेज हैं वो सारी परचेज हम इस बुक में यहाँ से लिख देंगे, जितनी भी सेल से रिलेटेड हैं वो सभी हम सेल में लिख देंगे, जितनी भी कोई असेट्स से रिलेटेड हैं वो हम सारी असेट्स में लिख देंगे। असेट्स आपको सेकंड चैप्टर से बताया था, असेट्स हमारी अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ फिक्स असेट होती हैं, कुछ करंट असेट्स होती हैं, तो जो जिससे रिलेटेड होती है वो उसी बुक में हम लिख देंगे, जिसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। ये स्टूडेंट्स जितनी भी बुक बनती हैं इनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं लेजर। इसी बुक में हमारा एक सेपरेट चैप्टर आएगा जिसको हम लेजर बोलते हैं, ये हम वहाँ से फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सभी एक बार ये सारे स्टेप आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स मनी में मेज़र करना, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा इस बुक से जिसको हम जर्नल बोलते थे इसको हमने अलग अलग क्लासीफाई कर लिया, यानी कि जो आइटम जिस बुक से रिलेटेड थी, परचेज वाली परचेज में, सेल वाली सेल में, तो वो हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी थी। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स फिफ्थ स्टेप, समराइजिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, समराइजिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसकी एक समरी निकालते हैं, समरी का मतलब कॉन्क्लूजन होता है, यानी कि अभी तक हमने जो भी ये ट्रांजैक्शंस की हैं उनसे कुछ हमने समरी निकाली होंगी। जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमने परचेज बुक में परचेज लिख दी थी, राइट, इसी प्रकार से जितनी भी सेल थी हमने सारी सेल लिख दी थी, बहुत सारी सेल थी अलग अलग, ऐसी सेल लिख दी थी। ऐसे ही हमने कोई असेट के, कोई लैंड का अकाउंट बनाया होगा, कोई बिल्डिंग का अकाउंट बनाया होगा, तो ऐसे बहुत सारे हमारे लेजर बन गए होंगे स्टूडेंट्स। अब इनके जैसे टोटल आ गया, अब जैसे टोटल परचेज मैं बात करूं, एग्रीगेट परचेज 150,000 की हुई, ऐसे ही अगर मैं टोटल सेल की बात करूं, जो मेरी एग्रीगेट सेल है वो 2,00,000 रुपीज़ की हुई, तो मैं इनके एक समरी बना लूंगा। अब मैं बोलूंगा टोटल परचेज 150,000 की है, टोटल सेल 2,00,000 रुपीज़ की है, टोटल लैंड मेरी 5,00,000 रुपीज़ की है, टोटल बिल्डिंग मेरी 8,00,000 रुपीज़ की है, तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग समरी बना ली।
अब इस समरी से स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंस आए, जैसे परचेज का 150, सेल का 2 लाख, लैंड का दिस वन, बिल्डिंग का दिस वन, तो इसका इसमें किसी के डेबिट बैलेंस आए होंगे, किसी के क्रेडिट बैलेंस आए होंगे। अब इससे हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, जिसको हम ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये भी चैप्टर हमारा आगे जाके सेपरेट आएगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इस ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये भी हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से चैप्टर आएगा, उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उनको मनी में मेजर किया, फिर हमने बुक्स में रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने क्लासीफाई कर लिया, और इस क्लासीफाई के बाद हमने उनकी एक समरी बना ली, यानी कि एक बैलेंस जो स्टेटमेंट आई उससे अलग बैलेंस शीट, अलग अलग जो बैलेंस से है तो एक स्टेटमेंट बना ली, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब तक स्टूडेंट्स हमने ऊपर से सभी समरी बना ली है, समराइज कर लिया है, इसके बाद बिजनेस का जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। सीए इसके बाद यहाँ से एनालिसिस करता है समरी को, इंटरप्रेट करता है, यानी कि अभी तक हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस निकला है, यहाँ से वो रिजल्ट जो है वो हमारे फाइंड आउट होते हैं, राइट। इसी से हम जो या सीए है या जो मैनेजमेंट है वो इंटरप्रेट करती है, देखती है, एनालिसिस करती है कि हमें बिजनेस को आगे एक्सटेंड करना है, प्रोडक्ट को डिवर्सिफिकेशन करना है, या हमें और कोई डिसीजन लेना है। तो ये स्टूडेंट्स एनालिसिस करती हैं, इंटरप्रिटेशन करती है, ये रिजल्ट यानी कि फाइंड आउट किया जाता है कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है या हमें लॉस हुआ है। और जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। देखिए स्टूडेंट्स जो भी अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट किया है, जो प्रॉफिट या लॉस हमने फाइंड आउट किया है, वो जो कंपनी है वो अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करती है, यानी कि उनको बताती है कि हमें फॉर्म में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये यूजर्स भी स्टूडेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉई है वो इंटरनल होंगे स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल में स्टूडेंट्स जो बाहर के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, सप्लायर है, ये एक्सटर्नल होंगे, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले स्टेप हमने जो किया था वो किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसमें हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड हैं और कौन सी नहीं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था एम, मतलब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, यानी कि इसमें हमने ये देखा था विच ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू मनी, राइट। यानी कि जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड थी उसको हमने इसमें रिकॉर्ड किया था, इसको हमने मेजर किया था। नेक्स्ट किया था रिकॉर्डिंग, यानी कि हमने इसमें एक बुक में, जर्नल में रिकॉर्ड किया था जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्लासीफाई किया था, क्लासीफाई में हमने किया था स्टूडेंट्स जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड थी उसको उसी बुक में हमने लिख दिया था, जैसे परचेज वाली परचेज में, सेल वाली सेल में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक समरी बनाई थी, यानी कि किसी जो भी बैलेंस आए थे, किसी का डेबिट बैलेंस, किसी का क्रेडिट बैलेंस, तो उससे हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने किया एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में और एनालिसिस में हमने ये किया था स्टूडेंट्स, हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमने उनको अपने यूजर्स को कम्युनिकेट किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है IMRCSAC, राइट स्टूडेंट्स। अभी बताया था, देखिए आपको ये प्रोसेस भी बोली जा सकती हैं, ये आपको फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स भी बोली जा सकती हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोला जा सकता है, यानी कि तो ये हैं, ये हमारे सारे स्टेप क्लियर कर देती हैं। और जब हम मीनिंग इसका क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मीनिंग में भी हमारा यही जो फीचर्स हैं, यही जो प्रोसेस है, वही काम करेगा।
इसके बाद देखें स्टूडेंट, जो हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग जिसमें AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इसकी डेफिनेशन बताती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी देखिए आप जो स्टेप बताए थे अभी वो सारे इसमें पूरे हो जाएंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ। देखिए अगर हम ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें समझ में नहीं आती। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि अभी हमने सारे जो भी स्टेप थे IMRC SAC वो हमने क्लियर किए थे स्टूडेंट्स। यानी कि देखिए हमने इसमें क्या किया, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्ड किया था, अभी क्लासीफाइंग के बारे में भी बताया था एंड समराइजिंग भी आ चुका, समराइजिंग के बारे में भी बताया था। देखिए रिकॉर्डिंग कंप्लीट, इसके बाद क्लासीफाइंग कंप्लीट एंड समराइजिंग भी कंप्लीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि जो महत्वपूर्ण मैनर में काम आए एंड इन टर्म्स ऑफ मनी जो मनी में मेजर किया जा सके, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स यानी कि उनको आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। विच आर इन एट पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस एंड रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि उनको कम्युनिकेट करना। तो देखिए सारे स्टेप जो हैं हमारे इसमें क्लियर हो जाते हैं, तो जो इसका मीनिंग है वो यही बनेगा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये इसमें जो जितने भी स्टेप हैं, जितनी भी प्रोसेस है, वो हमारी इस मीनिंग में क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। यानी स्टूडेंट्स देखिए जो चैप्टर नंबर 3 मैंने करवाया था वो इसीलिए करवाया था, उसमें हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे और उनमें प्रिंसिपल्स में बताया था कि जो भी रिकॉर्ड रखना है वो सिस्टमेटिक तरीके से रखना है ताकि बिजनेस में कोई फ्रॉड्स हैं, कोई ओमिशन है, ओमिशन का मतलब यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन भूल ना जाएं, तो वो सब हमारी जो है पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स के जो भी रिकॉर्ड रखना है वो सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रखा जाए। नेक्स्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अभी प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको बताया था कि हम इसमें इजीली जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड रखेंगे, सारी परचेज को ढंग से रखेंगे, सारी सेल को ढंग से रखेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमने कोई 100 रुपये का सामान खरीदा और 120 का बेचा है तो हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। थर्ड स्टूडेंट्स टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ से हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन पता चल जाएगी। फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब है यानी फर्म के पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, तो उनसे फर्म की फाइनेंशियल पोजिशन यानी वो स्ट्रोंग है या उसकी क्या सिचुएशन है, तो वो हमें यहाँ से अकाउंटिंग से ईजिली पता चल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि हमें ये भी पता चल जाएगा जब हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ईयर टू ईयर कि हमारी जो प्रोग्रेस है बिजनेस की वो क्या है। यानी पिछले साल अगर मैं बात करूँ सन ईयर 2015 में हमारा जो प्रॉफिट था वो 80,000 था और उसके अगले साल हमारा जो प्रॉफिट था वो 1,00,000 था, उसके जो अगले साल है वो हमारा प्रॉफिट 1,50,000 था। यानी हमें सारा जो है ईयर टू ईयर ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है या डिक्लाइन की सिचुएशन में जा रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, यानी जो एरर्स हैं और जो फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करके उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना, यानी हमें क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी इवेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो वाउचर के बेस पे की जाती हैं, बिल के बेस पे की जाती हैं, फ्रॉड कोई भी नहीं होता है बिना कोई भी एविडेंस के, बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी भी प्रूफ के कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम नहीं लिखी जाती है।
और लास्ट स्टूडेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कम्युनिकेट करनी पड़ती है टू द डिफरेंट यूजर, दैट इज द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल, राइट स्टूडेंट्स।